जब 1995 में ग्लेन जेकब्स ने WWE में अपने करियर की शुरुआत करी थी, तब वो एक खतरनाक बिग रेड मशीन नहीं थे जिसे हम आज केन के नाम से जानते हैं। वो पहली बार माइक यूनाबॉम के नाम से रिंग में आए थे, लेकिन ये नाम जल्दी हटा दिया गया जब जेकब्स एक पागल दांत के डॉक्टर आइसैक यंकम के नाम का किरदार निभाने लगे। हालांकि 1995 की गर्मियों में उन्हें बेट हार्ट के साथ अपने झगड़े की वजह से नाम मिला था, लेकिन ज्यादातर मैचेस में हार्ट की ही जीत होती थी और ये झगड़ा खत्म होने के बाद यंकम WWE में स्टार्स के जॉबर का काम करने लगे। रेजर रेमन और डीजल जैसे पुराने किरदार जिन्हें स्कॉट हॉल और केविन नैश दोनों ही निभा चुके थे, इन किरदारों को वापस लाने की कोशिश में 1996 में जेकब्स डीजल के रूप में एक बार फिर से सामने आए और उनके साथ थे स्कॉट हॉल जो रेजर रेमन का किरदार निभा रहे थे। दोनों ही रेसलर्स ने इन पुराने रेसलर्स की हूबहू नकल करने की नाकाम कोशिश करी, जिसको जनता से भी कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला। इस नाटक से कोई भी बेवकूफ नहीं बना और 1997 के अप्रैल तक इन दोनों किरदारों को हटा दिया गया और WWE एक बार फिर ये सोचने लगी कि जेकब्स के साथ क्या करा जाना चाहिए। शुक्र है कि WWE को एक बढ़िया आइडिया आया और उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया जिसमें वो अंडरटेकर से जुड़े बड़े राज लोगों को बता रहे थे और उसमें उन्होंने अंडरटेकर के बिछड़े भाई केन के बारे में बताया। केन अंडरटेकर के परिवार के इकलौते बचे सदस्य थे जो उस हादसे से अभी तक नहीं उभर पाए थे, जब अंडरटेकर ने गलती से उनके फ्यूनरल होम में आग लगाकर अपने ही परिवार को मार दिया था। हफ्तों तक केन के नाम की चर्चा करने के बाद 1997 के बैड ब्लड पे पर व्यू में केन सामने आए और रिंग में अपने भाई को टूमस्टोन मारा। काफी हद तक अपने नकली सौतेले भाई की तरह ही केन भी एक भारी भरकम इंसान थे जिन्होंने एक काले और लाल मास्क से अपने जलने के निशान छुपाए थे। उनकी चाल ढाल माइकल मायर्स की तरह थी और वो एक प्रभावशाली किरदार बनकर सामने आए। आगे आने वाले सालों में केन ने अपना मास्क लगाए रखा और आग में जलने से अपना खराब हुआ चेहरा कभी नहीं दिखाया। उनका किरदार धीरे धीरे आगे बढ़ा, शुरू में बिल्कुल बात ना करने से एक वॉइस बॉक्स का इस्तेमाल करके बात करना और फिर बिना बॉक्स का इस्तेमाल करे अच्छे से बात करने तक। उन्होंने माइकल मायर्स की नकल भी छोड़ दी और रिंग में और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने लगे। उनका किरदार केवल अपने भाई अंडरटेकर के साथ एक झगड़े तक ना सिमट कर कुछ ऐसे इमोशंस दिखाने लगा जो WWE के फैंस ने पहले नहीं देखा था। Are you ready? Bet your ass on it. It doesn't matter if you're ready. लेकिन पूरे 6 सालों तक ये लाल और काला मास्क पहने रहने के बाद केन इतिहास में पहली बार अपने इस किरदार का मास्क हटाने वाले थे। June 23, 2003 के रॉ के एपिसोड में केन ने मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ट्रिपल एच के साथ एक मैच खेला जिसमें उनका मास्क दांव पर लगा था। आखिर में केन वो मैच हार गए और उन्होंने दुनिया के सामने सबसे फेमस एरिना में अपना चेहरा दिखाया। जब दर्शकों ने पहली बार मास्क के पीछे का चेहरा देखा, तब उन्होंने WWE के इतिहास में सबसे खराब बाल झड़ा हुआ सर देखा और उनके चेहरे पर राख के कुछ धब्बे लगे हुए थे। लेकिन जैसा कि पॉल बेयरर ने कुछ सालों पहले बताया था, वो जलने के निशान कहाँ थे? एज और क्रिश्चियन के पॉड ऑफ ऑसमनेस के एक एपिसोड में केन ने बताया था, मास्क के साथ इमोशन दिखाना और बात करना काफी मुश्किल था। केन कहते हैं कि उनके लिए ये सब बस एक अनुभव था और आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। वो लोग जो सफल नहीं हैं, वो केवल वही हैं जिन्होंने हार मान ली है। और जहां तक कि मास्क की बात है, तो उन्हें अपने शरीर को ज्यादा इस्तेमाल करना सीखना पड़ा, जिससे उन्हें एक परफॉर्मर के तौर पर भी मदद मिली। जब वो मास्क हटा, तो इतने सालों की मेहनत ने उनके एक बेहतरीन परफॉर्मर बनने में मदद करी। उनके हिसाब से 2003 तक वो मास्क एक असुविधा बन चुकी थी और उनके किरदार का वो हिस्सा जितना लंबा हो सकता था हो चुका था। लेकिन केन का मास्क हटाने का फैसला असल में किसका था? ये केन और विंस का फैसला था उसे हटाने का, और उस समय केवल वही लोग थे जिन्हें ये सही लग रहा था। अब वो ये बात मानते हैं कि मास्क हटाना उनके बेहतरीन फैसलों में से एक था और उन्हें वो सफलता कभी नहीं मिलती जो उन्हें मिली अगर वो मास्क लगाए रखते। ये सवाल पूछा जाता है कि जब मास्क हटाने का समय आया तो क्या उन्हें घबराहट हुई थी? वो थोड़े कश्मकश में थे क्योंकि वो जानते थे कि विंस अक्सर गलत नहीं होते, लेकिन यहाँ एक संभावना थी कि ये काम नहीं करेगा। अगर एक बार मास्क हट गया तो पीछे नहीं जा सकते थे और ये रहस्य खुल जाता। लेकिन जिंदगी में आपको ऐसे जोखिम उठाने पड़ते हैं। केन ने बाद में बताया कि उनके जलने के निशान असली नहीं है बल्कि मानसिक तौर पर उन्हें निशान पड़े हैं। लेकिन मास्क के बिना जेकब्स को केन के किरदार को आगे बढ़ाने का मौका मिला क्योंकि उसके बाद वो ज्यादा खतरनाक और ना प्रेडिक्ट कर पाने वाले बन गए। और ये बात विवादित रही कि मास्क हटाने के बाद
उस किरदार के रहस्य खत्म हो गए, क्योंकि एक तरह से मास्क हटने के बाद केन काफी हद तक इंसान लगने लगे। लेकिन अगले 10 सालों के लंबे समय तक के लिए केन बिना मास्क के ही रहे और उन्हें बहुत सी सफलताएं भी मिली, जैसे ECW और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को हासिल करना और मनी इन द बैंक लैडर मैच जीतना। लेकिन गलती से मार्क हेनरी की वजह से चोटिल होने के बाद वो 4 महीने के ब्रेक पर चले गए। 2011 के दिसंबर में केन फिर से एक मेटेलिक मास्क पहने हुए वापस आए और उन्होंने जॉन सीना को एक चोक स्लैम दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना मेटल का मास्क हटाया जिसके अंदर एक नया लाल मास्क था और वो फिर एक हील बन गए। लेकिन वो फिर से एक मास्क के साथ वापस क्यों आए? खैर, इसका कारण काफी अजीब है। जैसा कि रेसलिंग ऑब्जर्वर के एक रिपोर्ट में बताया गया, केन का मास्क के साथ वापस आने का एक कारण ये था कि कंपनी को इस साल के मायामी में होने वाले मेनिया में सबसे ज्यादा मास्क पहने हुए खिलाड़ियों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है और ये बस कुछ ही पलों के लिए होगा। अब मिस्टीरियो भी इसे वापस लाएंगे या नहीं, और सिन कारा उस समय तक वापस नहीं आ पाएंगे। मिस्टीरियो पिछले हफ्ते ही ट्रिब्यूट टू द ट्रूप और रॉ के लिए वापस आए थे और वो लोगों को बता रहे थे कि वो वापस आने में और अपनी सर्जरी को खराब नहीं करेंगे, वो मई तक वापस आने का अंदाजा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि वो मेनिया तक वापस नहीं आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिन कारा, जिन्हें बोला गया था कि वो लगभग 6 से 8 महीनों के लिए बाहर हैं, वो लोगों को बता रहे हैं कि वो केवल 4 महीनों में वापस आ जाएंगे और वो मेनिया में शामिल होंगे क्योंकि वो पैसे कमाने का दिन नहीं छोड़ सकते। इस वक्त ये रिकॉर्ड है 27,080 लोगों का, जो मई में एक एनाहाइम एंजल्स बेसबॉल गेम के दौरान हुआ था, जिसे लुचा लिब्रे मास्क नाइट के नाम से जाना जाता है। केन ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, मुझे लगता है कि मास्क एक रहस्य बनाए रखता है क्योंकि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। केन ने कहा, जब मैंने मास्क हटा दिया तब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अब जब ये वापस आ गया है अब तुम्हें दोनों दुनिया की बेहतरीन चीजें मिल रही हैं। केन ने फिर से अपने किरदार को पूरी तरह घुमा दिया जब उन्होंने स्टेफनी मैकमैन के हाथ में अपना मास्क देकर उनका साथ देने की कसम खाई, जिसके बाद वो एक बिजनेसमैन केन बन गए, जो केन का सबसे सरल रूप था। WWE में वो एक बार फिर उसी मास्क के साथ वापस लौटे, अपने अवतार को जहां छोड़कर गए थे वहीं से शुरुआत करी और अंडरटेकर के साथ जुड़कर व्हाइट फैमिली के खिलाफ लड़े। जेकब्स ने कुछ समय के लिए WWE से ब्रेक लिया ताकि वो नॉक्स काउंटी टेनेसी में अपने मेयर की उम्मीदवारी के लिए लड़ सके। लेकिन आपको कौन सा केन पसंद है, मास्क वाला या बिना मास्क का? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही और रेसलिंग कॉन्टेंट के साथ।